एनीवेज गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं मतलब रामगंज, क्योंकि चोपड़ा दरो हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वैक्सीनेशन के लिए। आई होप रामगंज में वैक्सीनेशन हो रहा है कि पता नहीं, बट सामने 15 अगस्त आ रहा है जिसकी वजह से कुछ राइड बचा है। तो मेरा तो दोनों डोज ही कंप्लीट हो चुका है, तो भाई का बचा था बस, इसके लिए अभी वैक्सीनेशन के लिए इसको भी करवाना था। पहले इसको बोला था, इसका तबीयत ख़राब था इसलिए वैक्सीनेशन किया नहीं था। तो हम अभी कुछ जुगाड़ लगाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, बट वो अभी मिलता है कि नहीं पता नहीं, अगर मिलेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी पहाड़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है जो वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि अगर आपके पास वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट है, मतलब आपको डबल डोज अगर कंप्लीट हो गया है तो ही आप पहाड़ों में एंटर कर सकते हो, नहीं तो आपको नीचे से भाई रिटर्न भेज देगा। क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए अभी कुछ गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट ने दिया है ट्रैवलिंग के वजह से, मतलब पहाड़ों के आप अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो आपको डबल डोज तो आवश्यक ज़रूरी है। बस इसीलिए कम से कम डबल डोज तो नहीं होता, सिंगल डोज अगर हो भी तो भी चलेगा, लेकिन आपको आर्टिफिशियली नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। और अगर आर्टिफिशियली नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो भाई पहाड़ों में मत ही जाओ। तो 15 अगस्त जिसके लिए प्रेपरेशन चल रहा है सबके पास, एक कोई ना कोई मतलब राइड के रहता है राइड में जाने के लिए, तो इसके लिए मेरा तो दोनों डोज कंप्लीट हो चुका है, बट भाई के लिए तो जाना है। तो आई थिंक दौड़ुआ हॉस्पिटल में हम लोग अभी गए थे, तो बस इतना ज़्यादा भीड़ है भाई कि पूछो मत। लोगों की मतलब भीड़ के कारण से सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा है तो आज रामगंज चलते हैं। तो मेरा सोना था जो रामगंज में वैक्सीनेशन का होता है प्रोसेसिंग, तो अभी वहाँ पर चल रहे क्या धन किया होता है देखते हैं। और रामगंज के नज़दीक में एक फॉरेस्ट है, आई थिंक इस्लामपुर सब डिविजन में एक टूरिस्ट फॉरेस्ट है जो हम सभी जानते हैं, तो आज उसी को भी एंटर करें, विजिट करेंगे, मतलब देखेंगे क्या हालत है। तो काफ़ी दिनों से उस फॉरेस्ट में मैं गया ही नहीं, बट आज कोशिश करेंगे जाने के लिए। अगर वैक्सीनेशन के प्रोसेसिंग यहाँ पे अगर हो जाता है तो जल्दी जल्दी, तो आई होप निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। सो गाइस यही है रामगंज बाजार। पूरे लॉकडाउन में यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन हुआ भाई, आई थिंक वेस्ट बंगाल के कहीं पर भी ऐसा मेंटेन नहीं हुआ। देखो किसी के चेहरे पे एक तो मार्क्स नहीं है, मतलब यहाँ से कोरोना जा चुका है। सो देख सकते हो हालत बहुत बुरी है भाई, बहुत बुरी है। पर हमारे देश में अगर तीसरी लहर की आए तो देखो, कितना बेफिक्र हो गया, सब घूम रहा है, किसी के चेहरे पे भी मार्क्स नहीं है। मास्क के बाद तो छोड़ो, हेलमेट भी नहीं है किसी के पास। इस्लामपुर ब्लॉक प्राथमिक केंद्र, तो यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन मिलता है कि नहीं पता नहीं, आई थिंक पूछना पड़ेगा, पूछ लेते हैं यहाँ से। वर्तमान बंद आछे
বর্তমানে বন্ধ আছে তাই তো? আর এমনি এখনো ভ্যাকসিনের ভ্যাকসিন নেই নাকি? বলতে পারো না। যাই হোক, এখন ভ্যাকসিনের জন্য প্রসেসিং বন্ধ আছে তাই তো? ভ্যাকসিনের জন্য তো আমি এসেছি। হ্যাঁ, সেটার জন্যই তো আসা। ওই এখানে বলছি যে ভ্যাকসিনের কি প্রসেস আছে? ভ্যাকসিন আপাতত তো নেই, ভ্যাকসিন বন্ধ আছে। হ্যাঁ, কিছু নেই, যেদিন ভ্যাকসিন হবে ওদের লাইনে দাঁড়াতে হবে, লাইনে টিকিট দেবে। হ্যাঁ, টেস্ট হবে, টেস্টের পরে ভ্যাকসিন হয়ে যাবে। ও, তো বলছি তো কবে আসবে? সেটা তো বলা যাচ্ছে না, ভ্যাকসিনটা বাইরের থেকে আসবে, যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ তো কোনো বলাই যাবে না কবে আসবে। মানে এখনো ওইখানে নোটিশ বোর্ডে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, ওই ফোন নাম্বারটা নিয়ে রাখুন, বাড়ির থেকে ফোন করে শুনবেন ভ্যাকসিন হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, ওই নোটিশ বোর্ডে আছে ওই ঘরটা। ঠিক ঠিক আছে, ওকে চলো। ভাই কিছু করতে এবার তো দেখো, সরকারি কর্মচারী হ্যাঁ তো সরকারি আমলা কা তো তেবার ভি কুছ অলগ হ্যাঁ। কিসি কে সাথ আগর হাস খেল কে বাত করে তো ক্যা জাতা ইন লোগো কা পতা নেই। মানে তো জাস্ট পুছনা পুছনা তো উসে যে ভ্যাকসিনেশন কব মিলেগা, বট ইসকা তেবার দেখ কে তো মুঝে হি গুসা আ গয়া। মতলব আম পাবলিক আগর পুছে ভি তো ইন লোগো কা পরেশানি হ্যায়। সো ছোড় দেতে হ্যায় ইসকো, अब पता नहीं कब मिलने वाला है, जब भी मिलेगा देखा जाएगा। कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा ही जो वैक्सीनेशन के लिए। सो गाइस, अभी और एक जगह पे जो मैंने बताया था घूमने के लिए जा रहे हैं, तो चलो एंजॉय करते हैं। सो ये रामगंज है, रामगंज से नज़दीक ही है। सबसे यही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी सावन का महीना है, सब अपने अपने खेतों पे काम कर रहा है। तीनों सब बंद पड़ा है आई थिंक। सो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो ये लोकल से जाके इस्लामपुर सब डिविजन में इकलौता फॉरेस्ट जो पिकनिक स्पॉट है, और इसका हालात देखो
सो टूरिस्ट भी आया है। चलो देखते, ये फॉरेस्ट पहले जैसा नहीं रहा, अब देखो फॉरेस्ट की हालत। आई थिंक सिक्योरिटी विक्योरिटी कुछ नहीं है यहाँ पे, सिक्योरिटी रहना चाहिए यहाँ पे। ये देखो भाई, देखिए कुछ ऐसा हालत है इस फॉरेस्ट की। देखो तो यहाँ से कहाँ से किधर से भी अगर जाना है तब भी, मतलब जो रोड है घूमने के लिए वो रास्ता है सब बंद पड़ा है। अब यहाँ पे अकेले जा ही नहीं सकते हो, मतलब आपको बाइक बाहर रखना है उसके बाद ही धन जा सकते हो। कुछ अच्छा नहीं लगा। छोटा जो रोड है, बस एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, ये जो रोड है ना हर एक जगह पे आपको ऐसे ऐसे पेड़ मतलब गिरते हुए नज़र आएगी। और ये एक बैठने का जगह है। सो काफ़ी दिन पहले मैं जब पहला GoPro लिया था, तब मैं यहाँ पे आए थे। सो तब यहाँ पे एक ब्लॉग मतलब शूट किया था। तो देन आज भी एक मौका मिला, रामगंज आए तो एक तो ब्लॉग बनता है ना, तो इसीलिए आज आए बट एक ब्लॉग शूट करने के लिए। तो देखते, और एक चीज़ है यहाँ पे हर एक मतलब ये जो फॉरेस्ट है ये काफ़ी पेड़ मतलब गिरा हुआ है, देख सकते हो। ये देखो सामने और एक पेड़ है, तो ये काफ़ी सारे ऐसे पेड़ पड़ा हुआ है और काफ़ी सारे पेड़ यहाँ से गायब भी हो चुका है, क्योंकि इस्लामपुर ब्लॉक में एक ही तो है फॉरेस्ट मतलब टूरिस्ट के लिए है। तो कुछ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, ये चीज़ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए गाइस। तो आई थिंक सब कुछ ठीक है, और यहाँ पे टूरिस्ट आते भी है बट ज़्यादातर यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ होता है। आप लोगों सबको भी पता है क्या चीज़ होता है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जिसके वजह से ये कांड होता ही रहता है आए दिन। इस लोकल जो लोकल एरिया लोग हैं तो वो लोग भी ज़्यादा बोलता है, बट ये चीज़ गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। और सामने एक लेक है, एकदम शांत माहौल है। और गाइस यही वो लेक है जो सबने क्लब फॉरेस्ट बोलता है उसका लेक। तो बट सब कुछ ठीक है ओवरऑल। सो गाइस इसमें एक बात तो है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, मतलब ये जो एरिया प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि ये अभी कुछ दिनों बाद ये भी गायब हो जाएगी, यहाँ से काफ़ी सारे पेड़ भी गायब हो चुका है। तो बट आई एम नॉट श्योर, जो मुझे ये बोलना अच्छा लगेगा बट मैं कोई इस सब बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एक यही एक जगह है जो बचपन में हम लोग यहाँ पे आते थे पिकनिक मनाने के लिए, बट किसी भी वीकेंड में यहाँ पे मनाने के लिए बस यहाँ पे आते थे। बट अभी
पहले जैसा माहौल नहीं रहा था, तो जब ये बनाया था तब बिल्कुल अच्छा था, अभी इसका हालत बहुत ही ख़राब है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी ऐसा नहीं है। और तन चलते लेक को, और यहाँ पे देखो काफ़ी सारा पेड़ था बस गायब हो चुका है। और अभी बरसात के टाइम है, तो बरसात के टाइम क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है तो, बट अभी वैसा माहौल नहीं रहा। ये यहाँ से देखो, ये देखो काफ़ी सारा पेड़ अभी गिरा हुआ है, तो इस पेड़ के बदले में कुछ पेड़ भी लगाना चाहिए। और काफ़ी सारा पेड़ जो कटा हुआ है वो गायब हो चुका है, क्या करें, कुछ तो होता है भाई। बट जो भी चीज़ है, अगर इस चीज़ को अच्छे तरीके से रिमेंटेन किया जाए तो यहाँ पे ऐसे भी तो टूरिस्ट प्लेस है ही, बट अच्छा है तो क्या कर सकते हैं यार। तो काफ़ी दिन बाद आया, शांत माहौल है यहाँ पे तो अच्छा लगा। और देन अभी चलते हैं। तो गाइस आई थिंक क्या लगा आपको, तो ये एक छोटा सा प्लानिंग था, मतलब छोटा सा राइड भी कह सकते हो आप लोग। तो आई होप अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, बट यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ताबड़तोड़ जगह पे। चलो।